नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल बिकम ब्लॉगर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, हम बताएंगे कि आपको आपके ब्लॉग पे अगर 1000 ट्रैफिक आता है, आपको 1000 पेज व्यू अगर आप जनरेट करने में सक्षम होते हैं अपने ब्लॉग पे, तो आपको एडसेंस के थ्रू कितनी अर्निंग होगी। मैंने अपने साइट का एग्जाम्पल दिखाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने फरवरी के महीने में ऑलमोस्ट अपने ब्लॉग पे 1 मिलियन पेज व्यू जनरेट किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करके आज बताएंगे कि हमारी साइट पे अर्निंग कितनी हुई है, और उसी से आपको कैलकुलेशन के लेवल पे पता लग जाएगा कि 1000 पेज व्यू पे आपको एडसेंस में कितना इनकम होगा, या फिर दूसरे तरीके से देखें तो आपको $1 अर्निंग करने के लिए कितनी ट्रैफिक चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, और हमने अपने साइट का एकदम से एग्जाम्पल भी दिया है, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगी आपके मोबाइल, डेस्कटॉप, जहां भी आप यूज करते हैं यूट्यूब, वहां तक पहुंचती रहेगी, ताकि हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी आप तक आराम से पहुँचती रहे। फिलहाल हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें 2-3 वीडियो डल चुकी है। तो आप जाइए ऊपर आई बटन में, आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज़ का लिंक मिलेगा। इस वीडियो देखने के बाद आप जाके उसे देखें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो हमने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मेरे फरवरी के महीने में एक हिंदी ब्लॉग के ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन का पेज व्यू जनरेट हुआ है, यानी कि हमने अपने ब्लॉग पे 1 मिलियन का ट्रैफिक लेके आया है। हालांकि यूजर्स जो है कम आए थे, लेकिन जो ट्रैफिक है, जो पेज व्यू कैलकुलेशन होता है, वो हमारा ऑलमोस्ट 9 लाख समथिंग पहुंच गया था, 9,70,80 कुछ इस तरह से था। तो उसमें हमने अर्निंग भी की थी। तो मैंने उस वीडियो में मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप जो है अर्निंग गेस करके बताइए कि हमारी कितनी अर्निंग हुई होगी। आखिर 1 मिलियन पेज व्यू जो है काफ़ी अच्छा नंबर होता है। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, लगभग 100-200 लोगों ने कमेंट किया, $1,000, $2,000, $400, $300, इस तरह से बहुत सी कमेंट्स आए। तो हमने देखा कि चलिए लोग क्यूरियस है जानने के लिए कि हाँ कितनी अर्निंग हुई है आखिर इस ब्लॉग से। तो सबसे पहले मैं उस ब्लॉग की 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि वो जो हमारा ब्लॉग है जिस पे हमने 1 मिलियन का ट्रैफिक लेके आया था, वह एक हिंदी ब्लॉग है। हिंदी ब्लॉग के साथ साथ वह एक न्यूज़ टाइप कंटेंट जनरेट करता था, यानी कि हर रोज 2-3 पोस्ट डाले जाते थे। वह न्यूज़ से रिलेटेड पूरा न्यूज़ बेस्ड ब्लॉग है, जहाँ पे जो ट्रैफिक है वो कम्प्लीटली 100% सोशल मीडिया से है, यानी कि आपको फेसबुक से ट्रैफिक देखने को मिलेगा, आपको हेलो से ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी हेलो के माध्यम से अपने साइट पर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, भरपूर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, लाखों में ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, तो आई बटन में फिर से जाके लिंक चेक कीजिए। हेलो वाला प्लेलिस्ट है, पूरा 3-4 वीडियो है, आराम से पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा किस तरह से हेलो के माध्यम से आपको ट्रैफिक लेके आना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उस ब्लॉग पे जो ट्रैफिक था पूरा का पूरा रेफरल ट्रैफिक था, यानी कि आपको भी पता होगा कि रेफरल ट्रैफिक में कई बार एड्स शो नहीं होता है। तो दोस्तों, 1 मिलियन जो पेज व्यू जनरेट हुआ था हमारे साइट में, उसमें से ऑलमोस्ट आधा यानी कि 50% टाइम ही एड शो हुआ, यानी कि अगर एडसेंस में आप एड पेज व्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4,88,000 है। आपको बगल में स्क्रीनशॉट भी दिखता रहेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे एडसेंस में पेज व्यू जो है 4,86,000 समथिंग है। अब इतने पेज व्यू में कितना बार हमारा ऐड देखा गया, तो ऐड का जो इम्प्रेशन आता है वह आता है 18,47,000 बार, यानी कि 18 लाख बार हमारे साइट पे ऐड देखा गया। अब क्लिक्स की बात करते हैं, क्योंकि एडसेंस जो है CPC के ऊपर बेस्ड रहता है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। जितनी ज़्यादा क्लिक्स होंगी आपके एड्स पे, उतने ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो क्लिक्स देखा जाए तो हमारे साइट पे ऑलमोस्ट 28,500 कुछ क्लिक्स आए थे। और CTR के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो बता दूँ कि 100 लोग अगर आपका पेज व्यू होता है 100, तो उसमें से कितने लोग क्लिक करते हैं आपके ऐप पे, तो उस हिसाब से जो CTR हमारे साइट का रहा है वो रहा है ऑलमोस्ट 5.8%। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि CTR किस लेवल तक जा सकता है, कितना CTR सेफ है। तो दोस्तों, अगर ऑर्गेनिकली CTR आ रहा है आपके साइट पे, कुछ भी 1%, 10%, 15%, हर चीज़ सेफ है, CTR को लेके आपके मन में कोई भी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट 5.8 यानी कि ऑलमोस्ट 6% का CTR रहा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि CPC कितनी रही थी। तो CPC जो है हिंदी ब्लॉग था, न्यूज़ कंटेंट था, इसलिए CPC काफ़ी कम मिला, 0.02, जो कि बहुत ही लो CPC रेट है। तो इस लेवल का हमें CPC मिला। अब हम बात कर लेते हैं RPM रेट क्या रहा। तो हमारा जो RPM रेट रहा था वो ऑब्वियसली $1 का रहा था। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर $1 RPM रेट है, यानी कि हर 1000 व्यू के आपको $1 मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे साइट पे लगभग 400 कुछ हज़ार व्यू है, यानी कि 4,80,000 के आसपास पेज व्यू आया था।
एडसेंस एड्स इतने बार पेज व्यू में शो हुआ है। तो उस हिसाब से हमारी साइट की जो अर्निंग हुई थी पूरे महीने वह है $488। उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ एडसेंस में आपको 1000 पेज व्यू का $1 मिलेगा अगर आपका भी ब्लॉग एक न्यूज़ बेस्ड ब्लॉग है और हिंदी कंटेंट के ऊपर काम करता है। आप ध्यान रखेंगे कि आपका जब स्टार्ट करेंगे ब्लॉग तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको CPC का रेट बहुत कम मिले, 0.01 मिले या फिर 0.00 ही मिले, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका ब्लॉग पुराना होते जाएगा आपकी अर्निंग जो है धीरे धीरे अप होती जाएगी। तो हालांकि जो मेरा ब्लॉग है वो पुराना ब्लॉग है लेकिन जो है ट्रैफिक ऑर्गेनिक नहीं है, सोशल मीडिया से है, इसलिए CPC का रेट हमें कम मिला है तो अर्निंग केवल 488 पॉइंट समथिंग हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे उस विनर की जो लोगों ने हमें गेस्ट किया था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अच्छे से गेस्ट कर पाएगा हमारी अर्निंग को उसके साथ मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट शेयर करूंगा। तो आप लोग मुझे ईमेल कीजिए, जिन भी लोगों ने मुझे $450 से $500 तक की अर्निंग मुझे वहाँ पे कमेंट किया था वो लोग मुझे पर्सनली ईमेल कीजिए और मैं उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करूंगा। तो वो पूरा का पूरा आपको पता लग जाएगा ईमेल के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कि मेरे एक इंग्लिश ब्लॉग पे, जो कि ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको हिंदी ब्लॉग का, मेरे एक इंग्लिश ब्लॉग पे पिछले महीने मार्च के महीने में ऑलमोस्ट 3 लाख पेज व्यू जनरेट हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं उसकी ट्रैफिक प्रूफ देखना चाहते हैं, आप उसका अगर अर्निंग प्रूफ जानना चाहते हैं कि इंग्लिश ब्लॉग पे यूनाइटेड स्टेट्स से अगर ट्रैफिक आता है तो कितनी ज़्यादा इनकम हो सकती है, कितना बड़ा गैप देखने को मिल सकता है हिंदी ब्लॉग और इंग्लिश ब्लॉग के ऊपर, तो आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं इसी तरह से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।